व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सभी? तो भाई आज का सीन ऐसा है कि हमारा फर्स्ट व्लॉग आ रहा है ऑन अवर कार ऑन अवर मारुति इको कार। हाँ भाई, हमारे पास यही कार है भाई, अभी यही है फिलहाल। तो इसी पर हम आज व्लॉग बना रहे हैं। तो हम जा रहे हैं आज बाजार, तो आपको हम दिखाएंगे कैसी दिखती है हमारी कार और जा रहे हैं बाजार। बहुत मजा आएगा इस व्लॉग में। ओ मेरे यार, ओ मेरे यार, जुड़े रहो हमारे साथ। तो गाइस, आज का सीन ऐसा है कि मौसम है सुहाना और हमने बाजार है जाना। अबे कॉपीराइट आ जाएगा वो आपने। नहीं, हम अपनी गाड़ी पे ऐसे सॉन्ग लगाएंगे। हाँ। क्योंकि यार कॉपीराइट की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। तो आज आप मौसम देख रहे हो भाई, अभी हम लगा लेते हैं अपनी सीट बेल्ट। इको को ट्रैफिक वाले पुलिस वाले बहुत पकड़ते हैं, तंग करते हैं। सीट बेल्ट हमने लगा ली आराम से। सो गाइस, लगा ली सीट बेल्ट। अभी मास्क वगैरह नहीं पहना, अभी आगे चल के पहन लेंगे क्योंकि मास्क का भी चलान कटता है हमारी रजौरी में। तो अभी हम पहुंचने वाले गाइस खांडली ब्रिज। तो भाई आज मौसम ही ऐसा है, देखो बारिश हो रही है और ब्रिज पूरा गीला। अभी मतलब जो है ना, दरिया का बहाव अभी कम है, लेकिन जो है ना बारिश हो रही है। क्या पता किस टाइम ज्यादा हो जाए, वापस आने तक हो सकता है ये ज्यादा ही हो जाए, तो आपको हम दिखा देंगे अगर हुई तो। अगर हुई तो भाई चांस वाली बात। हाँ तो सेकंड नंबर, आपको पता है बारिश में मोटो व्लॉगिंग बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए आज जो है हमारे पास है कार। तो गाइस ये देखो, पीछे जो खांडी ब्रिज गीला था, तो अभी हम आए आधा किलोमीटर आगे, तो देखो यहाँ पे रोड पूरी सूखी हुई है। इट्स मीन्स के जो बारिश है वो वहीं हो रही है पीछे, यहाँ पे बारिश नहीं है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं छपरियां। हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट व्लॉग होने वाला इन आवर कार। लोग ऐसे है कि सामान लाने ही जा रहे हैं, साथ में सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं। और थारा भाई इज ऑन फायर। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि यार थारा भाई को भी दिया करो बाइक चलाने। कोई बात नहीं, उसका हम एक पूरा व्लॉग बनाएंगे जब सुबिल बाइक चलाएगा। एक मस्त वाला व्लॉग बनाएंगे, वो आपको देखने को मिलेगा कल या फिर आज ही देखने को हो सकता है मिल जाए। अभी देखते हैं क्या बनता है। तो हम पहुंच चुके हैं, आप अभी छपरियां ही है, छपरियां ही आगे जाने आगे होने वाले हैं। हाँ। और अपनी गाड़ी में ऑयल भी फिल कराना है अभी। हाँ, क्योंकि ये गाड़ी यार ज्यादातर खड़ी रहती है, खड़ी रह कर ही इसका ऑयल खत्म हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल उड़ जाता है एज यू नो कि वो यार गैसेस फॉर्म में होता है। और हमारे मिश्र भाई तो हैवी ड्राइवर है भाई। नहीं यार, एक्सपर्ट। हमें कुछ नहीं आता भाई, सब ऊपर वाले की देन है, जैसा वो कर दे। बट हाँ, ये गाड़ी रखने का हमारा जो रीज़न है, हमारा क्योंकि एज यू नो के बिजनेस है हमारा यार किराना स्टोर है, उसके लिए हमें सामान वगैरह लेकर जाना पड़ता है। इसलिए ये गाड़ी हमने इसको हो चुके हैं भाई साहब ये 11 साल हमारे पास, और ये अभी एज इट इज़ ऐसी लगती है कि अभी लाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभाल के रखी है। तो नाउ वी एंटर्स इन जवाहर नगर। और यहाँ पे इतना रश होता है गाइज, लिटरली आप यार मानोगे नहीं कि यहाँ पे ये जो गाड़ी अगर एक बार फंस गई तो मीन्स एक दो घंटे इधर ही रहो, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोग हैं इन्होंने देखो गाड़ी या रोंग पार्क की होती है। अभी यहाँ से आगे सुबिल बताना यार, सभी लाइन लगी हुई है, आधी रोड है, मीन्स हाईवे है ये। इसमें यार बहुत से जो रूट है उसकी गाड़ियाँ चलती है, आधे से ज्यादा देखो रोड जो है कवर है, जो गाड़ी पार्किंग लगी है उनके। गाड़ी पार्किंग लेकिन यहाँ पे है नहीं यार, पार्किंग की सुविधा है ही नहीं हमारी। हाँ भाई, रजौरी में तो लोग भी क्या करेंगे, अगर किसी का घर पास नहीं है तो उसने गाड़ी लगानी है। हाँ। बट हाँ, कुछ ना कुछ यार एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए, कोई पार्किंग यहाँ पे एक बड़ी गाड़ी आई तो आधा घंटा एक घंटे के लिए जाम। वो देखो आगे से अब देखना, अभी देखना क्या होगा इधर, हो भी सकता है। हाँ यार, ये थोड़ा बंदा ठीक निकला क्योंकि इसने रोक ली गाड़ी, पीछे रोक ली, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो मतलब आगे आगे जाते हैं, जैसे उनको आगे जाकर ना आग बुझानी है। आगे देख सकते हो एक साइड गाड़ी वो लगी, एक साइड वो लगी है, पीछे पास निकलना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो देख लो वो बंदा यार मिरर भी उसका फोल्ड कर रहा है गाड़ी का, क्योंकि क्या करे। हाँ। अगर साथ लग गई तो बोलेंगे सारी गलती इसी की है, बट ये नहीं पता कि जो बंदा गाड़ी पार्क कर रहा है गलती उसकी है। तो गाइस फाइनली बस निकल चुकी है, तो आप एक बस रुकने की वजह पीछे कितनी गाड़ियां आगे, ये देखो ये बंदा सामान उतार रहा है इसकी वजह से भी। तो अभी हम आगे आपको मिलते हैं सीधा यार पांजे पे ही, क्योंकि अभी जाम लग गया है, टाइम वेस्ट ही हो। ठीक है, तो गाइस अभी आ चुका है पांजे का पेट्रोल पंप, और यहां से हम कराएंगे पेट्रोल फिल। यहां पे होता ही है रश बहुत ज्यादा, और हमें गाड़ी लगानी पड़ेगी उधर करके, क्योंकि इसका फ्यूल टैंक है भाई साहब दूसरी साइड।
अभी ये गाड़ी निकले तो गाइस पहले हम वहाँ खड़े थे, हमारी गाड़ी उस साइड लगनी चाहिए थी लेकिन वहाँ घुस नहीं पाई, तो शरव भाई ने यहाँ से मोड़ के इधर लगा दी, अब यहाँ से फिल करवा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ अपने भाई लोग मिल चुके हैं जो बोल रहे हैं कि हमें भी दो अपना चैनल। आओ जी यार इधर लाओ फोन अपना। सो गाइस अब यार फिर से देखो यार हम पहुँच चुके हैं पांजे में, अभी ऑयल वॉयल डलवा के, और यहाँ पे यार जाम देखो गाइस, इतना जाम यार कसम से। यहाँ पे अगर यार किसी बंदे का कोई इमरजेंसी हो वो तो दो घंटे इधर ही फंस जाए। ओ माय गॉड। तो गाइस यहाँ से एक लिंक नीचे जाता है और आगे हमने जाना है आगे बाजार की तरफ, और इस साइड जाता है सलानी। तो देखो भाई यहाँ पे भी बहुत जाम होता है, अब वहाँ से गाड़ी आ रही है, यहाँ से गाड़ी रुकी है, अब यहाँ से पास जाना बहुत मुश्किल होगा। रजौरी में हक छीनना पड़ता है भाई अपना हक खुद लेना पड़ता है हर जगह के, वैसे एक ही साफ होता है, बट ये देखो यहाँ से रुक जा भाई, रुक जा भाई। ओ भाई रुकना, ये रुक नहीं रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम घुसा लेंगे, हमें आती है घुसा ये। तो गाइस ये सामने है यार जामा मस्जिद पांजे वाली, बहुत ही फेमस है ये मस्जिद गाइस, इसकी रौनक से ना यार रजौरी ना एकदम इसमें यार बाहर आ जाती है इसकी रौनक से। बिल्कुल भाई, ये देखो गाइस इधर इसका नाम भी लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर, अल साउद जामा मस्जिद, बहुत ही प्यारी मस्जिद है ये। तो गाइस यहाँ से ऊपर एक लिंक जाता है, ये जाता है बाबा कलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, और नीचे जाता है मंडी में, मेरे को लगता है मंडी में इंटर होने नहीं दे रहे, ऊपर जाना पड़ेगा, हमको भी ऊपर से ही जाना पड़ा यार, पता नहीं क्यों नहीं आज इंटर होने दे रहे, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन आगे यहाँ से नहीं जाने दे रहे, बट देखते हैं यहाँ से नीचे एक और लिंक भी है, अगर वहाँ से जाने हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर कोई और स्कीम। यहाँ भी खड़े आगे, यहाँ भी खड़े आगे, मुश्किल है, नहीं यहाँ से जाने देंगे। वापस हम उसी रोड में आ चुके हैं, तो इंटर हो चुके हैं सीधा मंडी वाली रोड में, देखते हैं आगे क्या। चलिए आगे हमारी चिल्ड्रन पार्क, अभी एक हम एक पुलिस वाले भैया बोल रहे थे कि आगे नहीं जाने दे रहे, बट देखते हैं आज कुछ पुलिस वुलिस, ये शायद से यहाँ अंदर कोई आया होगा, बड़ा मिनिस्टर वगैरह आए होंगे, अभी देखते हैं। तो गाइस ये है जामा मस्जिद रजौरी, सबसे बड़ी जो बड़ी मतलब मस्जिद। तो अभी हम रजौरी मार्केट की बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो ये आ गया आगे मंडी का ब्रिज, और ये मंडी में अभी पार आ गई मार्केट, तो अब हम डायरेक्टली गाड़ी पार्किंग करेंगे और वहां से जाएंगे बाजार के अंदर, और हम जो है ब्रिज के ऊपर भी इंटर कर चुके कर गए। सो गाइज अभी हमने करनी थी यहाँ पे गाड़ी पार्क, और देखो ये पूरी जगह फुल है, तो अब हम ऊपर जा रहे हैं, अगर हमारे पास ब्लैक बुल होता तो हम कहीं भी कर देते पार्क, लेकिन अब जो उसको यार मार्केट में ले जाऊंगा, हाँ। अभी यहाँ पे जगह नहीं है, अभी देखते हैं कहीं ऊपर हमें जगह मिले, देखते हैं जगह मिल जाएगी। जान दो थोड़ा थोड़ा जाने दो, पीछे जाने दो, जान दो बहुत जगह है, ओ भाई जा रुक जा अभी जाएगी, अब जाएगी यार, ओ भाई जा थोड़ी आगे करते बस आप पीछे बस ठीक है यहाँ पे। सो फाइनली हो चुकी है अपनी गाड़ी पार्क, और हमारा वॉलेट चाबी निकाल ली, लेट्स गो। सो गाइस हमने अपनी गाड़ी तो कर दी पीछे पार्क, और अभी हम जा रहे हैं ऐसे ही पैदल आगे रजौरी में, अभी आपको आगे दिखाते। सो अभी हम हैं जो रजौरी की मार्केट है उसके अंदर, तो आज रश बहुत ज़्यादा है, तो मास्क बहुत कम बंदों ने लगाया हुआ है, लेकिन मास्क ज़रूरी है भाई, अगर आप भी कहीं मार्केट में जाओ तो मास्क लगा के रखो, क्राउडेड एरिया में जाओ ना, हाँ भाई तो मास्क ज़रूर लगाना, हाँ तो इतनी लंबी नहीं बनाएंगे वीडियो, हाँ वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उस वजह से हम जो है शॉर्ट शॉर्ट पार्ट डाल रहे हैं बीच में। सो गाइज अपना काम करने के पहले सो बिल्कुल लग चुकी थी भूख, और हम आए ये कुछ कलाड़ी कुलचा वगैरह और साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये हम पियेंगे, और अभी आपको सीधा मिलेंगे अपनी गाड़ी के पास सामान लेकर। तो गाइज ये रहा हमारा सामान, अब ये नहीं पता कि जो पाइप्स वगैरह गाड़ी में से कितना बाहर रहेंगी, वहीं जाके पता चलेगा, तो चलते हैं देखते हैं भाई। सो गाइज ये हमने कर दिया सामान लोड, और ये हमारी पाइप्स जा रही हैं डिक्की से बाहर, तो अब देखते हैं कि घर कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो ये देखो भाई हमारी गाड़ी भी देखो भाई थे एक बार। तो गाइस हम यहाँ से निकल चुके हैं, तो पीछे डिक्की रखी है खुली, और पीछे देख सकते हैं आप सामान बाहर जा रहा है, तो ये रहे मुशर्रफ भाई। भाई बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जाना पड़ेगा, तो और गर्मी इतनी है, पूछो मत। तो ठीक है भाई मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तो अब हम यहाँ से डायरेक्टली घर जा रहे हैं, तब तक के लिए भाई बाय, सपोर्टिंग बाय बाय बाय।